Hello everyone, welcome to my online classroom and today in this video we are going to continue the same chapter of class 12 political science politics of plan development chapter 3. तो देखिए मैंने आपको पेज नंबर 52 तक एक्सप्लेन कर दिया था और आज इस वीडियो में हम आगे का कंटेंट पढ़ने वाले हैं. इवन पेज नंबर 53 में हम स्टार्ट करने वाले हैं रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की किस तरह से एकदम फास्ट वे में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, किस प्लान के अंतर्गत हुआ. इससे पहले हमने प्रीवियस जो 5 ईयर प्लान से उसको डिस्कस कर लिया था प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत, किस तरह के इम्प्रूवमेंट्स हुए थे एग्रीकल्चर फील्ड में और उससे भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ. जो पॉवर्टी एलिवेशन जो प्रोग्राम आपने सोचे थे कि हो जाएगी, पॉवर्टी हट जाएगी, तो इस तरह के कुछ जो सरकार ने प्रोग्राम सोचे थे, प्लान बनाए थे, वो इतने सक्सेसफुल नहीं रहे, यहाँ तक कि लोग इतने ज़्यादा सेविंग भी नहीं कर पाए. इवन थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करूँ तो वहाँ कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, बट इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ कि उसको हम काउंट कर सकें कि ज़्यादा ही लोग यहाँ पर सेविंग कर लिए, उन्होंने इतनी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, तो ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं हुआ था. तो देखिए फर्स्ट तो उन्होंने देख लिया कि जब एग्रीकल्चर में जो भी उन्होंने योगदान दिया, जो भी प्लानिंग की डेवलपमेंट के लिए, वो इतना सक्सेसफुल वहाँ पे उस फील्ड में नहीं रहा जो उन्होंने पूरे धीरज के साथ वहाँ पे काम किया था. आराम से स्लोली मूवमेंट में उन्होंने वो पूरा काम किया था, उसमें वो सक्सेसफुल नहीं रहे. तो देखिए आप हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन. और इसको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस चैनल पर आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक का सारा सोशल साइंस से रिलेटेड आपको कंटेंट मिल जाएगा. तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए. तो स्टार्ट करते हैं रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन. देखिए रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप एक ही स्पीड में, एक ही साल में, जब एक ही साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर देते हो, तो इसको हम रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं. और जैसे वेस्टर्न कल्चर में, वहाँ की कंट्रीज़ में देखो तो ज़्यादातर इंडस्ट्रियलाइजेशन ही हुआ था यूरोपियन कंट्रीज़ में, वहाँ पर एग्रीकल्चर इतना नहीं हुआ था और एग्रीकल्चर काफ़ी वहाँ पर बर्बाद भी हुआ था. तो यहाँ भी अब आ रही है बारी जो सेकंड 5 ईयर प्लान की. तो उसमें उन्होंने उसमें क्या स्ट्रेस किया, उसमें उनके क्या मेन थीम रही, तो इनकी मेन थीम रही हैवी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने की. जैसे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इनकी स्ट्रैटेजी रही कि वो एग्रीकल्चर पे थोड़ा ध्यान देंगे, वहाँ पे इंप्रूवमेंट करेंगे. तो उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे सेकंड 5 ईयर प्लान में देखिए जो FYP लिखा है, मैंने आपको बताया था इसको फर्स्ट 5 ईयर प्लान बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे यूज़ की गई है. तो इनका मेन मोटिव जो स्ट्रेस था वो अब था हैवी इंडस्ट्रीज़ के फील्ड में, कि इंडस्ट्रीज़ में कुछ करते हैं इंप्रूवमेंट हो जाए शायद और इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी बेटर हो जाए. तो इसके लिए एक टीम बनाई गई इकोनॉमिस्ट की और प्लानर्स की, और इनका जो लीडर है बनाया गया PC महालनोबिस को. और इनके अंदर ही पूरे के पूरा जो टीम थी उन्होंने वर्क किया इस पर और पूरा का पूरा ड्राफ्ट किया इस प्लान को. और इस फर्स्ट जो प्लान था इसको प्रीच किया गया बहुत ही पेशेंस के साथ. आपने देखा होगा जो फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था वो बहुत ही धीरज के साथ, बहुत ही स्लोली, पूरे पेशेंस के साथ उसको वर्क किया गया था. बट जो सेकेंड प्लान था, ये जो 5 ईयर प्लान का फर्स्ट या जो 5 ईयर प्लान था, इसका जो मेन था, अब ये थोड़े प्रोग्रेस के वे में करना चाहते थे, एक क्विक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते थे, चेंजेस लाना चाहते थे और हर एक पॉसिबल डायरेक्शंस में ये बहुत ही तेज़ी से चेंजेस को लाना चाहते थे. तो पेशेंस के जस्ट अपोजिट यहाँ पे थोड़ा सा क्विकनेस आई, थोड़े से चेंजेस के लिए ये सब लोग एग्री हुए. बिफोर दिस प्लान वॉज फाइनलाइज, जैसे ही ये प्लान फाइनलाइज होने वाला था तो जो कांग्रेस पार्टी थी उसने अपना सेशन हेल्ड किया अवधि जो नियर देन मद्रास सिटी में. उसके बाद वहाँ पे एक उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन पास किया. इसके बाद ही उन्होंने डिक्लेयर भी किया कि सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी वॉज इट्स गोल, ठीक है, कि इनका गोल क्या है, एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी को बनाना. इसके साथ ही जो इनके सेकेंड प्लान में ये चीज़ दिखती भी है, तो गवर्नमेंट ने इम्पोज किया सब्सटेंशियल जो टैरिफ्स और जो टैक्सेस थे वो इम्पोर्ट्स पे इन्होंने टैरिफ्स लगाए, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकें अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को. और इसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट भी किया इन्होंने इन्वायरमेंट को, और मतलब ये जो भी स्ट्रैटेजी इन्होंने इस्तेमाल की वो काफ़ी इनके लिए सपोर्टफुल रही, जिसमें जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स थे उनकी जो इंडस्ट्री थी उनकी ग्रोथ के लिए काफ़ी ये एक आप कह सकते हो एक अच्छा इन्वायरमेंट वहाँ पर प्रोवाइड हो गया. इसके साथ ही देखिए जो सेविंग्स थी, जो इन्वेस्टमेंट थी, वो भी काफ़ी हाई हो गई इस पीरियड में, कि ग्रो हुई अगर पुराने 5 ईयर प्लान के कंपेरिजन, तो यहाँ पे ग्रो भी हुई, काफ़ी ग्रोथ हुई सेविंग्स में भी. और जो बल्क ऑफ इंडस्ट्रीज थी, जो डिफरेंट डिफरेंट हैवी इंडस्ट्रीज थी, लाइक इलेक्ट्रिसिटी हो, रेलवेज हो, स्टील मशीनरीज हैं, कम्युनिकेशन है, वो भी यहाँ पे काफ़ी हद तक डेवलप हो गई थी और वो पब्लिक सेक्टर में ही डेवलप हुई. इसके साथ ही और भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की गई इंडस्ट्रियलाइजेशन को मार्केट करने में, मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज़ डेवलपमेंट. और ये भी कहा जाता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही इसकी वजह से कह लो, और इसने एक मार्क भी किया, एक टर्निंग पॉइंट लाया ये इंडिया की डेवलपमेंट की हिस्ट्री में. इसके साथ कुछ और भी प्रॉब्लम्स थी जो इंडिया को फेस करनी पड़ी उस टाइम, क्योंकि इंडिया में जो टेक्नोलॉजिकली बहुत बैकवर्ड था इंडिया उस टाइम, तो उसने काफ़ी
the spend kya precious foreign exchange to buy technology from the global market, कि वर्ल्ड के मार्केट से काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए काफ़ी पैसा भी खर्च किया. बट अपार्ट इसके जो इंडस्ट्री थी एट्रैक्टिव थी वो मोर इन्वेस्टमेंट देन एग्रीकल्चर, कि जो इंडस्ट्रीज थी वो ज़्यादा एट्रैक्ट करती थी इन्वेस्टर्स को देन एग्रीकल्चर. और जो इसके बाद क्या हुआ, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट कमाने के लोग इंडस्ट्रीज तो सेटअप करते गए और एग्रीकल्चर पर ध्यान नहीं दिया, तो इस वजह से यहाँ पर जो है फूड शॉर्टेज जैसी समस्याएँ जो हैं वो भी निकल के आई. और जो इंडियन प्लानर्स थे उनका तो हमेशा यही था कि वो बैलेंस करके चलें, कि इंडस्ट्री भी ग्रोथ करें और एग्रीकल्चर भी ग्रोथ करें. बट इस दोनों को बैलेंस करने में अब इंडियन प्लानर्स जो थे उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी यहाँ पे फेस होने लगी, वो थोड़े मुश्किल में आ गए. और थर्ड जो प्लान था वो इतना सिग्निफिकेंटली देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा हद तक डिफरेंट नहीं था सेकंड से. क्रिटिक्स जो हैं यहाँ पे पॉइंटेड करते हैं कि जो प्लान था, जो भी स्ट्रैटेजीज थी, टाइम अराउंड डिस्प्लेड एंड अनमिस्टेकेबल अर्बन बायस, कि यहाँ पे जो भी आपने स्ट्रेटजीज देखी जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हो सेकंड 5 ईयर प्लान में, तो क्रिटिसाइज करते थे कई सारे लोग कि ये काफ़ी अनमिस्टेकेबल मिस्टेक थी जिसने टाउन एरियाज़ को तो काफ़ी डेवलप कर दिया इंडस्ट्री सेटअप करके, और जो रूरल एरियाज था जहाँ एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए था उसको नहीं किया, तो एक पार्शलिटी कर दिया, एक बायसनेस यहाँ पे दिखा दी उन्होंने. और अदर्स ये भी सोचते थे कई लोग कि जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी रॉन्ग वे में डेवलप कर दी गई, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई ओवर दी एग्रीकल्चर, जिसका नुकसान जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड को काफ़ी ज़्यादा सहना पड़ा. दियर वर ऑल्सो दोज हु वॉन्टेड फोकस ऑन एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री रैदर देन हैवी वंस. इसके साथ ही एक ग्रुप ऐसा भी लोगों का था जो चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस है वो एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री, जैसे देखिए कॉटन से टेक्सटाइल बनती है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जिससे कि एग्रीकल्चर फील्ड जो है वो भी ग्रोथ करे और जो इंडस्ट्रीज है वो भी ग्रोथ करे. तो ऐसी इंडस्ट्रीज को सेटअप करना चाहिए, इनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि हैवी वंस पे, ना कि एक इंडिविजुअल हैवी इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए. इसके साथ ही देखिए जो यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि किसके अंतर्गत ये जो सेकेंड 5 ईयर प्लान जो इंडस्ट्रीज को रन अप करने के लिए प्लान बनाया गया, ड्राफ्ट किया गया, तो वो किसके लीडरशिप में किया गया, तो पीसी महल नोबिस थे, उनके अंडर ये पूरी प्लानिंग हुई, ड्राफ्ट हुआ. तो ये एक साइंटिस्ट और स्टैटिस्टिशियन थे, इंटरनेशनल रिप्यूट थे, फाउंडर थे इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के 1931 में, आर्किटेक्ट थे सेकंड प्लान के और सपोर्टर भी थे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के, और एक्टिव रोल इन्होंने प्ले किया था पब्लिक सेक्टर में. तो यहाँ से थोड़ा सा आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं कि मैं लिखने के लिए. इसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं. तो यहाँ पे की कंट्रोवर्सीज कौन कौन सी थी, तो स्ट्रैटेजीज देखिए यहाँ पे तो डेवलपमेंट की फॉलो हुई काफ़ी अर्ली ईयर्स में, वहाँ पे सेवरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे वो रेज हुए. लेटेस्ट एग्जामिन इनमें से हम काफ़ी सारे जो डिस्प्यूट जो भी थे उनको कंटिन्यू करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे भी, जो काफ़ी एक दूसरे से रेलिवेंट है. तो देखिए यहाँ पे कंट्रोवर्सीज रही एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री, क्योंकि अभी हमने प्रीवियस पैरा में पढ़ा कि एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसको प्रायोरिटी पे नहीं रखा गया, इंडस्ट्री को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा. तो ये अब हम पढ़ने वाले हैं कि क्या ऐसा था, क्या कुछ इस चीज़ों से कनेक्शन था या नहीं था. इसके साथ ही देखिए जो ये बॉक्सेस में जितना भी आपको कंटेंट मिलता है ये भी थोड़ा यूज़फुल रहता है, आपसे कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. तो देख लेते हैं पहले एग्रीकल्चर वर्सेज इंडस्ट्री. तो अभी आपने ये तो हमने पढ़ लिया कि काफ़ी कुछ की काफ़ी बिग क्वेश्चन हमारे लिए अराइज हुआ कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के बीच में ज़्यादा किस पे ध्यान दिया गया, किसने एट्रैक्ट किया ज़्यादा पब्लिक रिसोर्सेज को बैकवर्ड इकोनॉमी लाइक दैट ऑफ इंडिया, किस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था. तो मैंने लोगों को काफ़ी लोगों को ये लगता था कि जो सेकेंड प्लान है वो काफ़ी लैक कर गया, कि यहाँ पे एग्रीरियन जो स्ट्रैटेजी थी डेवलपमेंट की वो यहाँ पे नहीं की गई. और इससे क्या हुआ, जो इंडस्ट्री थी वो तो काफ़ी ग्रोथ कर गई, पर इंडस्ट्री की ग्रोथ की वजह से क्या हुआ, जो एग्रीरियन सेक्टर था, जो रूरल इंडिया का सेक्टर था, उसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, काफ़ी सफ़र हुआ. वो गांधीयन इकोनॉमिस्ट लाइक जेसी कोमरप्पा, उन्होंने प्रपोज किया था कि एक अल्टरनेटिव ब्लूप्रिंट पूरा का पूरा, और इन्होंने बताया था कि किस तरह से ग्रेटर इंफेसिस जो है रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन पे किस तरह का फ़र्क पड़ा उससे, वो इनको ने एक्सप्लेन किया था. साथ ही देखिए चौधरी चरण सिंह जो है थे एक कांग्रेस लीडर थे, उसके बाद वो वहाँ से हट गए, कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, उसके बाद उन्होंने अपना खुद के भारतीय लोक दल उन्होंने बनाया, उसको ज्वाइन किया उन्होंने. और इसके साथ ही उन्होंने फोर्सफुली आर्टिकुलेट किया केस फॉर कीपिंग एग्रीकल्चर एट द सेंटर ऑफ प्लानिंग फॉर इंडिया, कि इनका मानना था कि अगर आपको इंडिया की प्लानिंग करनी है पूरी, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना है, तो एग्रीकल्चर ऐसी चीज़ है कि आप उसको छोड़ नहीं सकते, उसको आपको सेंटर पर रखना पड़ेगा. ही सेड दैट. इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से इनको क्रिएट करनी है इस तरह की चीज़ें जिससे कि प्रॉस्पेरिटी अर्बन एरियाज़ में भी हो, इंडस्ट्रियल सेक्शन में भी हो, और साथ ही जो फार्मर्स और जो रूरल पॉपुलेशन है उनको भी फ़ायदा पहुँचे, उनकी भी थोड़ी सी जो कंडीशन है वो भी सुधरे. और इसके अलावा देखिए
और भी कई लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि अगर आप इंक्रीज ना करें, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ज़्यादा ना हो, तो देयर कुड बी नो स्केप फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। तो कई लोगों का कह भी मानना था कि अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ ना हो, यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होगी, तो जो पूरी की पूरी पॉवर्टी की जो साइकिल है उससे हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इनका मानना है कि इंडस्ट्रीज ही वो सोर्सेज हैं जिससे कि आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हो और पॉवर्टी जैसी साइकिल से आप दूर हट सकते हो, निकल सकते हो। इन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कुछ लोगों ने कि जो इंडियन प्लानिंग है डिड हैव एन एग्रीएंट स्ट्रेटजी टू बूस्ट दी प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। कि इनका मानना था कि इंडियन प्लानिंग जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एग्रीएंट स्ट्रेटजी को किया, काम भी किया उस पर ताकि बूस्ट हो प्रोडक्शन फूड ग्रेन्स की ज़्यादा से ज़्यादा हो। बट द स्टेट मेड लॉस फॉर लैंड रिफॉर्म्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग द पुअर इन द विलेजेस। तो स्टेट ने काफ़ी सारे लॉस भी बनाए जो लैंड को रिफॉर्म किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट भी किया रिसोर्सेज को अमंग द पुअर जो गरीब लोग थे गाँव के। बट इसके बाद भी देखेंगे तो काफ़ी सारे जो प्रोग्राम्स थे जो कम्युनिटी डेवलपमेंट की किया स्पेंड किया लार्ज सम किया, जो लार्ज काफ़ी सारा अमाउंट भी इरीगेशन प्रोजेक्ट्स पे लगाया, बट उसके बाद भी ये जो प्रोसेस थे वो फेल हुए। ठीक है, जो स्ट्रेटेजीज थी आप देखो पूरा का पूरा जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था वो पूरा का पूरा फेल तो नहीं कह सकते आप, बट उसके बावजूद जितना चाहते थे कि इम्प्रूवमेंट हो उतनी वो इम्प्रूवमेंट नहीं कहीं भी नहीं दिखी। क्योंकि जो लैंड ओइंग जो क्लासेस थी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोशल और पॉलिटिकल पावर इसके अंतर्गत हासिल कर ली और जो गरीब थे वो तो गरीब ही बने रहे। बिसाइड्स इसके अलावा भी देखें तो काफ़ी लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसने काफ़ी ज़्यादा जो पैसा है वो बिल्कुल मनी जो है वो एग्रीकल्चर पर खर्च किया, बट इट नॉट हैव सॉल्व दी मैसिव प्रॉब्लम ऑफ रूरल पॉवर्टी। कि काफ़ी ज़्यादा पैसा एग्रीकल्चर को सुधारने या जो भी कहूँ उसको इम्प्रूव करने के लिए खर्च तो पैसा तो बहुत किया, बट फाइनली उनको जो रूरल पॉवर्टी वो दूर सकते थे वो करने में वो सक्सेसफुल बिल्कुल भी नहीं रहे। तो ये मेन कंटेंट था। अब देखिए मैंने जो आपको बताया था कि वो एक पैरा में कुछ इंपॉर्टेंट आपको मिल सकते हैं, तो इस तरह के पैरा से आप मत छोड़िएगा। तो यहाँ देखिए डिसेंट्रलाइज प्लानिंग बताइए कि ऐसा नहीं कि एक सेंट्रलाइज प्लानिंग हो कि एक ही गवर्नमेंट हर चीज़ को प्लान करे। देखिए एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हर किसी का राइट होता है और हर किसी को ये करना भी चाहिए कि पूरी ज़्यादा से ज़्यादा प्लानिंग करें, डेवलपमेंट के बारे में सोचें। तो इसी तरह का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कुछ प्रोजेक्ट्स की, ये नहीं कि सेंट्रलाइज करे जाए हर चीज़ों को, बस कुछ बिग इंडस्ट्रीज और सिर्फ उन्हीं पर नहीं ध्यान दिया जाए लार्ज प्रोजेक्ट्स पर, बस और छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाए क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट छोटी छोटी बातों से भी होती है। तो जैसे केरला का मॉडल का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, तो देखिए केरला मॉडल क्या नाम दिया है, जो भी डेवलपमेंट प्लानिंग प्लान बनाए थे केरला के स्टेट ऑफ केरला ने, उसी को नाम दिया गया केरला मॉडल कि उन्होंने किस तरह से अपने आप को डेवलप किया। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि ठीक है ज़्यादा पैसा वो इंडस्ट्रीज या इन सब पे नहीं खर्च कर सकते थे, सबके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, बट उनके अलावा उन्होंने किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया, उन्होंने एजुकेशन पे फोकस किया, उन्होंने हेल्थ सिस्टम को सुधारा, उन्होंने लैंड को रिफॉर्म किया ताकि एग्रीकल्चर हो सके, साथ ही इफेक्टिव फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया ताकि लोगों को खाना मिल सके और पॉवर्टी जैसी समस्याओं से वो निकल सके एंड पॉवर्टी एलिवेशन कर सके। तो डिस्पाइट देखिए लो पर कैपिटा इनकम तो उनकी भी थी, ठीक है उनका भी कोई इंडस्ट्रियल बेस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, वीक ही था, बट केरला ने काफ़ी ज़्यादा इसके बावजूद काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट किया, अचीव किया टोटल लिटरेसी, क्योंकि एजुकेशन में इन्होंने इंप्रूव कर लिया था उस पर फोकस किया था, तो टोटल लिटरेसी काफ़ी अच्छी रही उनकी, लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी अच्छी रही, लो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट वहाँ पे रहा, फीमेल मॉर्टेलिटी स्पेशली, और जो लो बर्थ रेट्स थे यहाँ पे रहे, हाई एसेस टू मेडिकल केयर यहाँ पे रहा। तो इस वजह से केरला मॉडल अगर देखा जाए तो बहुत सक्सेसफुल रहा और जिस वजह से केरला एकदम और कंपैरिजन ऑफ द अदर स्टेट्स काफ़ी डेवलप रहा। बिटवीन 1987 से 1991 की बात करें तो जो गवर्नमेंट है उसने लॉन्च की थी न्यू डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव, जिसमें इन्होंने इन्वॉल्व किया था कैंपेन्स की कैंपेन किया जाए डेवलपमेंट के लिए, और इस कैंपेन जो डेवलपमेंट में क्या क्या इंक्लूड था टोटल लिटरेसी रेट कि काफ़ी ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, लिटरेसी रेट हाई हो स्पेशली साइंस और एनवायरनमेंट में। इसके साथ ही इन्होंने इन्वॉल्व किया था जो पीपल थे जो लोग थे उनको डायरेक्टली इन्वॉल्व किया था, ऐसे नहीं कि सरकारी काम करेगी बट जो पीपल हैं वहाँ के वो भी काम करेंगे, वॉलेंट्री जो सिटीजन्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस बनाए है ना, तो इस तरह के सामाजिक रूप से भी लोग काफ़ी निकल के आए, उन्होंने हेल्प करा। इसके साथ ही देखिए जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, एनजीओज़ होते हैं, इस तरह से इन्होंने मदद की इन सब चीज़ों को फोकस करके और केरला मॉडल को और इम्प्रूव करने में। इसके साथ ही देखिए जो एक स्टेट जो था केरला का, उन्होंने ये भी इनिशिएटिव लिया कि इन्वॉल्व किया जाए पीपल को जो वहाँ पे पंचायत बनाते हैं, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए कि उनकी सलाह उनके जो आइडियाज़ हैं उनको भी लिया जाए, उनको भी सुना जाए। इसके बाद देखिए साथ ही अगर नेक्स्ट बात की जाए तो यहाँ पे जेसी कुमारप्पा की बारे में बताया गया, 1892 से 1960 तक का इनका टाइम है, ओरिजिनल नेम इनका जेसी कॉर्नेलिस था, एक ये इकोनॉमिस्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे, स्टडी ये पढ़े लिखे थे इंग्लैंड और यूएसए से, फॉलोवर थे महात्मा गांधी के, ट्राई किया था कि अप्लाई करें गांधीयन प्रिंसिपल्स को इकोनॉमिक पॉलिसीज में, ऑथर रहे ये इकोनॉमी ऑफ
परमानेंसेंस के और पार्टिसिपेट किया इन्होंने प्लानिंग प्रोसेस एज मेंबर ऑफ द प्लानिंग कमीशन के भी ये मेंबर हैं। इसके साथ ही देखिए एक ये बात है पंचोली की, यहाँ पे स्टोरी का थोड़ा डिटेल दिया गया है कि एक बंगाल विलेज के में बताया गया है पूरे फैमिली की कहानी है, जिसमें एक दुर्गा जो एक डॉटर है हरिहर की और सरभजिया के, और साथ ही उसका यंगर ब्रदर है अपू, उसकी कहानी बताई गई है कि किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया पॉवर्टी के से। फिल्म पूरी रिवॉल्व करती है एक सिंपल लाइफ को दर्शाती है, किस तरह के एफर्ट्स रहे उसकी मदर के, दुर्गा और अपू की मदर के, टू मेंटेन अपनी फैमिली को मेंटेन करने के लिए। पार्थिव पंचोली ने जो सॉन्ग्स ऑफ द लिटिल रोड नरेट किया, इसमें डिजाइंस दिखाए, डिसअपॉइंट्समेंट दिखाई पूरा फैमिली के। साथ ही देखिए तेल एक कहानी यंगस्टर्स की कहानी के द्वारा, फाइनली जब ड्यूरिंग मानसून सीजन आया तो फिर दुर्गा जो थी वो बीमार पड़ गई और वो मर गई। जब उसके फादर आए वहाँ पे काफ़ी सारी गिफ्ट्स को, क्योंकि वो काफ़ी दूर रहते थे, तो जब वो आए वापस पैसा कमा के, वो गिफ्ट्स विफ्ट उनके लिए लाए, इवन दुर्गा के लिए साड़ी भी लाए थे, बट जब तक वो आए तब तक वो मर चुकी थी। तो ये पॉवर्टी जैसी कंडीशन जब हो जाती है तो किस तरह की सिचुएशन हो जाती है किसी भी फैमिली में, आम फैमिली में, तो वो यहाँ पे दर्शाया गया है। साथ ही इस फिल्म ने काफ़ी सारे न्यूमरस अवार्ड्स नेशनली इंटरनेशनली लेवल पे जीते, प्रेसिडेंट गोल्ड और सिल्वर मेडल्स भी इस फिल्म को मिले ईयर 1955 में। डायरेक्टर थे सत्यजीत रे। तो यहाँ से ये है कि थोड़ा सा आप कॉन्टेंट लिख सकते हो। इसके बाद ही देखिए हमने ये पूरा यहाँ तक पढ़ लिया कि किस तरह की कंडीशन रही एग्रीकल्चर वर्सेस दी इंडस्ट्रीज। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।